वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। बंगाल में मुस्लिम वोटरों को लेकर ममता बनर्जी और ओवैसी में छिड़ी जंग। दीदी ने बिना नाम लिए AIMIM के अध्यक्ष पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए ओवैसी को बताया कट्टर अल्पसंख्यक। कूच बिहार में लोगों को दी हैदराबाद वालों से सावधान रहने की नसीहत। बिना समय गंवाए असदुद्दीन ओवैसी ने ममता पर पलटवार किया, कहा बंगाल में अल्पसंख्यकों के हालात पर सवाल करना कट्टरवाद नहीं। और इनको जरा भी एहसास नहीं है कि एक्सट्रीम बोल रहे मुसलमानों को। आप असदुद्दीन ओवैसी को नहीं कह रहे हैं, आप बंगाल के उन तमाम गयूर मुसलमानों के एक्सट्रीम कह रहे हैं। ममता के हमले से असदुद्दीन ओवैसी आग बबूला। पूछा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कैसे मिली 18 सीटें। और आप जो बीजेपी को नहीं रोक पा रहे हैं अपने स्टेट में, वो आपको नजर नहीं आता क्योंकि आप में एरोगेंस है, गुरूर है। आप नीचे मुंडी करके देखना नहीं चाहती हैं अपने सर को, तो आपको लगता है कि उस पे जिम्मेदारी डाल दो। ओवैसी पर हमले को लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेरा, कहा चालाकी की राजनीति कर रही है पश्चिम बंगाल की सीएम। अब उनको रिलेज करना पड़ रहा और उसे स्वीकार करना पड़ा। एक भी एक प्रकार चालाकी है, मुसलमानों को भड़का करके राजनीति किया, अब हिंदुओं को इस प्रकार बहलाने के प्रयास कर रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई फायदा होगा। महाराष्ट्र पर कल होगी कांग्रेस और एनसीपी नेताओं की चर्चा। कांग्रेस की ओर से अहमद पटेल, एनसीपी की ओर से शरद पवार मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र को लेकर शरद पवार ने एक बार फिर फेंकी गुगली, कहा जिनको सरकार बनानी है उनसे सवाल पूछिए। शिवसेना ने एनसीपी पर भरोसा जताया। संजय राउत बोले पवार साहब पर कोई शक नहीं, दिसंबर के पहले हफ्ते में सरकार बनेगी। डेडलाइन नहीं बता रही एनसीपी से, और दिसंबर फर्स्ट वीक तक सरकार बनेगी। शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी को बताया विश्वासघाती गौरी, जवाब में बीजेपी ने गजनी। महाराष्ट्र में सरकार को लेकर सामने आया संघ प्रमुख का बयान, कहा सब जानते हैं कि खराब होता है स्वार्थ, पर कोई छोड़ता नहीं। सोनिया राहुल प्रियंका की एसपीजी सुरक्षा हटाने को लेकर संग्राम, लोकसभा से कांग्रेस के सांसदों का वॉकआउट। कांग्रेस ने मोदी सरकार के फैसले पर सवाल उठाए, अधीर रंजन चौधरी बोले अटल सरकार में भी गांधी परिवार को एसपीजी सुरक्षा थी। जेएनयू पर चल रहे कोहराम को लेकर संसद में बवाल, टीएमसी ने उठाया मुद्दा, कहा फीस बढ़ोतरी से गरीब बच्चों का मारा जा रहा है हक। सीपीएम और बीएसपी ने भी फीस बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया, छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को गैर जरूरी बताया। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से उन पर लाठी चार्ज हुआ है ये निंदनीय है, इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और सरकार माफी मांगे। जेएनयू को लेकर विपक्ष के वाद पर बीजेपी का पलटवार, कहा देश के शिक्षण संस्थानों को बदनाम किया जा रहा है। सीपीएम हो चाहे कांग्रेस हो, ये जाकर के अपनी राजनीति की खेती नक्सलिज्म, अर्बन नक्सलिज्म के तौर पर देश को अस्तव्यस्त करना चाहते हैं, देश को बदनाम करना चाहते हैं। फीस बढ़ोतरी को लेकर जारी है जेएनयू के छात्रों का विरोध प्रदर्शन, कैंपस में निकाला शांति मार्च। फीस बढ़ोतरी को लेकर जेएनयू के छात्रों ने हुंकार भरी, कहा बार बार घेरेंगे संसद, फीस वापस होने तक आंदोलन जारी रहेगा। एबीवीपी ने जेएनयू आंदोलन से खुद को अलग किया, लेकिन फीस बढ़ोतरी को लेकर विरोध जारी रखने का ऐलान किया। जेएनयू के छात्रों को वाराणसी से मिला समर्थन, बीएचयू के छात्रों ने यूनिवर्सिटी गेट पर प्रदर्शन किया। संसद में दिल्ली के प्रदूषण पर भी चर्चा हुई, कांग्रेस ने किया किसानों का बचाव, कहा उद्योगों से भी खराब होती है हवा। कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाया, कहा इच्छा शक्ति की कमी के कारण दिल्ली का ये हाल। ये मुद्दा बहुत गंभीर है और इस चीज के ऊपर बहुत गंभीरता से विचार होना चाहिए कि सदन की एक स्थायी समिति बननी चाहिए। लोकसभा में मास्क लगाकर पहुंची टीएमसी सांसद काकुली घोष, सरकार से पूछे सवाल, स्वस्थ भारत की तरह स्वच्छ हवा मिशन क्यों नहीं। प्रदूषण को लेकर शिवसेना ने सरकार को घेरा, कहा मुंबई में एक रात में काटे गए 2700 पेड़, हम कर रहे हैं संसद में पर्यावरण की चिंता। प्रदूषण पर चर्चा में बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को घेरा, कहा 5 साल पहले केवल दिल्ली का सीएम खांसता था, आज सब खांसते हैं। सर आज जो उसने दिल्ली को दिया है
कि 5 साल पहले अकेला अरविंद केजरीवाल खांसता था, आज पूरी दिल्ली खांस रही है। प्रदूषण पर मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा, कहा जिम्मेदारी से भागी केजरीवाल सरकार। आने वाले दिनों में दिल्ली में बढ़ेगा प्रदूषण, मौसम विभाग के अनुसार हवा की गति में कमी आने के कारण बढ़ेगी परेशानी। 19 तारीख से लेकर के 20 तारीख के दरमियान विंड स्पीड आपकी काफ़ी कम रहेगी, जो कि लगभग 5 से 6 किलोमीटर पर आवर रहेगी, तो वो पॉलिटेन के डिस्पर्स के लिए ठीक नहीं है, उसमें डिस्पर्सन कम। 5 अगस्त से 15 नवंबर तक पत्थरबाजी के 190 मामले दर्ज, 765 लोगों को किया गिरफ्तार, संसद में सरकार ने बताया। 5 अगस्त से अक्टूबर 2019 तक 950 बार पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, लोकसभा में सरकार ने जानकारी दी। आज इंदिरा गांधी की 102वीं जयंती, कांग्रेस नेताओं ने शक्ति स्थल जाकर पूर्व प्रधानमंत्री को नमन किया। राज्यसभा में मार्शल्स की यूनिफॉर्म बदलने को लेकर भूचाल, सदन में विचार करने का आश्वासन, पूर्व सैनिकों का भी विरोध। राज्यसभा में पास हुआ जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय स्वरूप बनाने का रास्ता साफ। ममता बनर्जी ने कूचबिहार में मदन मोहन मंदिर जाकर पूजा अर्चना की, रास मेला में भी शामिल हुई। शिवपाल ने अखिलेश से दिए सुलह के संकेत, मुलायम के जन्मदिन पर परिवार में एकता बढ़ाने की नसीहत। दिल्ली में गंदे पानी को लेकर सियासत तेज, केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, सीएम के लापता होने का पोस्टर लहराया। बीएचयू में संस्कृत विभाग के छात्रों का प्रदर्शन, मुस्लिम प्रोफेसर की नियुक्ति को लेकर तालाबंदी। बीएचयू में संस्कृत के प्रोफेसर फिरोज खान के विरोध पर परिवार की चिंता, कहा मोबाइल बंद है, 3 दिन से बात नहीं हुई है। बीएचयू में संस्कृत प्रोफेसर फिरोज खान के विरोध पर एएमयू छात्र संघ की चेतावनी, कहा समर्थन में आंदोलन करेंगे। बीएचयू के राजनीति विज्ञान विभाग में सावरकर की तस्वीर पर फेंकी गई स्याही, छात्रों में नाराजगी। मुंबई में पीएमसी बैंक के खाताधारकों का प्रदर्शन, पीड़ितों ने कहा सरकार और नेताओं ने अकेला छोड़ा। कांग्रेस नेताओं ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से भेंट की, पीएमसी के खाताधारकों को राहत देने की मांग की। लगातार दूसरे दिन यूपी के बिजली कर्मचारियों की हड़ताल, कामकाज ठप, पीएफ घोटाले की सीबीआई जांच की मांग। ग्वालियर के डीएम कोर्ट में एक युवक ने की आत्मदाह की कोशिश, पार्षद पर लगाया जान से मारने की धमकी का आरोप। हरिद्वार में बाबा चिराग अली शाह की मजार पर सालाना उर्स में हंगामा, कुर्सी को लेकर बढ़ा विवाद तो पुलिस ने लाठी चलाई। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े सरियों से पीटकर एक युवक की हत्या की। पठानकोट में पंजाब पुलिस का एएसआई घूस लेते हुए गिरफ्तार, 4,000 रुपए के साथ विजिलेंस ने रंगे हाथों पकड़ा। दिल्ली में नशे के तस्करों पर शिकंजा, 14 किलो हेरोइन के साथ 2 गिरफ्तार। गोरखपुर में पेट्रोल पंप मैनेजर की हत्या के विरोध में परिवार के लोगों ने सड़क पर लाश रखकर प्रदर्शन किया, हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। हमीरपुर में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष, लाठी डंडों से महिला की पीट कर हत्या, बेटा गंभीर रूप से घायल। हाथरस के होटल में खाना खाने के दौरान विवाद, पीट पीट कर शिक्षक की हत्या, अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बिहार के सासाराम में फर्नीचर कारोबारी की हत्या, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराज लोगों का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के दीपचंद बंधु अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों ने मेन गेट पर जड़ा ताला, मारपीट के खिलाफ फूटा गुस्सा। पंजाब के गुरदासपुर में पूर्व सरपंच की गोली मारकर हत्या, 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। पंजाब के तरन तारण में ड्रग्स का ओवरडोज लेने से युवक की मौत, तस्करों की तलाश में पुलिस। सामने आया मशहूर गायिका गीता माली के कार हादसे का सीसीटीवी फुटेज, खड़े ट्रक को कार ने पीछे से टक्कर मारी थी। दिल्ली सटे नोएडा में फर्जी सांसद गिरफ्तार, चोरी की एक गाड़ी और कई दस्तावेज बरामद। लखनऊ में भैंसों के चारे को लेकर 2 गुटों में मारपीट हो गई, जमकर लाठी डंडे चले, 15 लोग घायल। कोलकाता पहुंची बांग्लादेश और भारत की टीम, 22 नवंबर से शुरू होगा पहला डे और नाइट पिंक बॉल टेस्ट मैच। सीआईएसएफ से रिटायर हुए 7 कुत्ते, दिल्ली मेट्रो को सेवाएं दी, सम्मान में आयोजित किया गया कार्यक्रम। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के हल्के झटके, रिक्टर स्केल पर 5 मापी गई तीव्रता, भारत नेपाल सीमा पर था केंद्र। दिल्ली वालों को कल से हल्के कोहरे का करना पड़ सकता है सामना, मौसम विभाग के अनुसार 300 से 400 मीटर रहेगी विजिबिलिटी। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में जारी है बर्फ हटाने का काम, अब भी फंसी हैं सैकड़ों गाड़ियां। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी से कड़ाके की ठंड, बर्फीली हवाओं ने लोगों को घरों में बंद किया।
जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में पहुंची जगतगुरु शंकराचार्य की गद्दी, बद्रीनाथ यात्रा के सफल समापन का ऐलान। लुधियाना के अमनदीप सिंह पर मेहरबान हुई माता लक्ष्मी, दिवाली बंपर लॉटरी में निकला 2.5 करोड़ का इनाम। 185 अंकों की बढ़त के साथ 40,469 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 55 अंक बढ़कर 11,940 पर बंद। भारत में 5 सस्ती इलेक्ट्रिक कारों की रेंज उतारेगी ह्यूंडई, एसयूवी क्रेटा और वर्ना का फेसलिफ्ट वर्जन भी होगा लॉन्च। अक्टूबर में कारों की रिटेल बिक्री में 11% की बढ़ोतरी, ऑटो डीलर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट में किया गया दावा। ओपेक देशों से भारत का कच्चे तेल का आयात 8 साल के न्यूनतम स्तर 73% पर पहुंचा, इराक बना सबसे बड़ा सप्लायर। 250 रुपए बढ़कर 39,620 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ सोना, चांदी 620 रुपए बढ़कर 46,270 रुपए प्रति किलो। लगातार छठे दिन बढ़े पेट्रोल के दाम, पेट्रोल 16 पैसे डीजल 5 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। आरबीआई की रेपो रेट में 1.8% कटौती के बावजूद 0.8% महंगा हुआ कर्ज, बीओए एमएलए की रिपोर्ट में दावा। एचडीआईएल की जब्त संपत्ति बेचकर चुकाया जाएगा पीएमसी ग्राहकों का पैसा, आरबीआई ने शुरू की तैयारी। सोने चांदी के लिए शुल्क वापसी की दरों में सरकार ने इजाफा किया, एक्सपोर्ट्स को राहत मिलेगी। एयरटेल वोडाफोन आइडिया के बाद जियो ने भी ग्राहकों को झटका दिया, कॉलिंग और डेटा के लिए चुकानी होगी ज्यादा रकम। एम परिवहन और डिजी लॉकर ऐप में रखे वाहनों के दस्तावेज पूरी तरह से वैध माने जाएंगे, सरकार ने साफ किया। जनवरी में भारत आएंगे अमेज़न के मुखिया जेफ बेजोस, पीएम मोदी से मुलाकात हो सकती है। आइडिया पेमेंट्स बैंक ने अपना कारोबार समेटने के लिए आरबीआई के पास आवेदन दिया, आरबीआई ने नियुक्त किया लिक्विडेटर। यूरोप में 3,000 लोगों की छंटनी करेगी टाटा स्टील, कम डिमांड और ज्यादा लागत के चलते फैसला। व्हाट्सएप के नए अपडेट से एक साथ कई स्मार्टफोन पर हो सकेगा इस्तेमाल, सिक्योरिटी फीचर से हुआ मुमकिन। हांगकांग यूनिवर्सिटी के कैंपस में अब भी मौजूद हैं करीब 100 प्रदर्शनकारी, प्रशासन ने शांतिपूर्वक सरेंडर की चेतावनी दी। हांगकांग में जारी प्रदर्शन के कारण बढ़ी सैलानियों की मुसीबत, एक होटल में फंसे नव दंपत्ति का वीडियो वायरल। चिली में पिछले 4 हफ्ते से जारी है सरकार विरोधी प्रदर्शन, अब तक 22 लोगों की मौत। बोलीविया में पद से हटाए गए राष्ट्रपति के समर्थकों ने रोकी देश की रफ्तार, ईंधन से लेकर खाने पीने की चीजों की बढ़ी किल्लत। जॉर्जिया में जल्द चुनाव की मांग को लेकर कोहराम, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले। एक हफ्ते की यात्रा पर न्यूजीलैंड पहुंचे ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स, प्रधानमंत्री जैकिंडा ऑर्डन से मुलाकात की। क्यूबा की राजधानी हवाना को बसे 500 साल पूरे, लोगों ने आतिशबाजी की, सड़कों पर जश्न मनाया। अमेरिका में ओक्लाहोमा के वॉलमार्ट में शूटआउट, अज्ञात हमलावरों की अंधाधुंध फायरिंग में 3 लोगों की मौत हुई। पेरू में एक फुटबॉल मैच के नतीजों के बाद भड़की हिंसा, हारने वाली टीम ने विजेता टीम के खिलाड़ियों के साथ मारपीट की। इटली में पौराणिक चीजों की चोरी के रैकेट का पर्दाफाश, करीब 10,000 पुरातन चीजें बरामद। न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में समुद्री तूफान ने मचाई तबाही, 120 किलोमीटर की रफ्तार की हवाओं ने ढाया कहर। 2020 में होने वाले ओलंपिक्स को लेकर जापान में जोरदार उत्साह, मैस्कट रोबोट को देखने के लिए बच्चों की भीड़ उमड़ी। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।